ये देख सकते हैं यहाँ कैसा नुकसान हो रहा है पूरा हमारा। ये देखें खपरेल रोड के और पूरा ये देखें ये हाल हो गए हैं और पूरा इतना नुकसान हो गया हमारा। और एक गमला भी हमारा टूट गया, देखिए ये देखिए ये गमला बड़ा वाला गमला था वो भी टूट गया है। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स ये देखें ये चीज़ देखिए यहाँ परिवार का हमारा ये मंदिर वाला कमरा है। ये देखिए ऊपर का हाल देख सकते हैं आप। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमा भंडारी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल मास्टर कार्तिक ब्लॉग में। तो मॉर्निंग का टाइम है और कल आ गए इतनी सारा आंधी तूफान आ गया है और इतना नुकसान हमारा हो गया है ना। और अभी आपको दिखाऊंगी कितना सारा नुकसान हो गया है। और अभी जो है ना अंदर भी इतना रेता रेता और बजरी हो गई थी तो मम्मी जी ने अभी झाड़ू लगा रखा है। मैं थोड़ा घूमने चली गई थी तो उन्होंने कहा कि मैं लगा देती हूँ झाड़ू, तो उन्होंने झाड़ू लगाया है और इतना सारा नुकसान हो गया है आपको मैं दिखाती हूँ। और हमारी कार में भी नुकसान हो गया आज कि अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसा हो रहा है। तो यहाँ भी इतना सारा मतलब रेता रेता हो गया था सारा, देख सकते सीढ़ियों के हाल अभी भी, मतलब झाड़ू लगा दिया तब भी ये हाल हो रखे हैं, तो उससे पहले कैसा हो रहा होगा। तो चलते हैं छत में और आपको दिखाते हैं कैसा नुकसान हो रहा है, कितना भारी नुकसान हो रहा है। और यहाँ देख सकते हैं तीन उड़ करके लोगों को उधर उधर देखिए सारी तीन उड़ करके, वहाँ देखिए कितने तीन उड़ करके आ गए हैं। अच्छा हमारे ना यहाँ कार में भी बहुत नुकसान हो गया है, नीचे जा करके बाद में दिखाऊंगी नुकसान। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मतलब इतना नुकसान हो गया हमारा। ये देख सकते हैं यहाँ कैसा नुकसान हो रहा है पूरा हमारा। ये देखें खपरेल रोड के और पूरा ये देखें ये हाल हो गए हैं और पूरा इतना नुकसान हो गया हमारा। और एक गमला भी हमारा टूट गया, देखिए ये गमला बड़ा वाला गमला था वो भी टूट गया है और ये वाला गमला भी इस तरीके टूट गया है। तो सारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया हमारा। ये देख सकते हैं आप नीचे देखिए, ये हमारे बच्चे जो हैं काम कर रहे, देखो हम हमारी हेल्प करने आ गए हैं क्योंकि ये सारा उठाना पड़ेगा ना। तो देख सकते हैं आप मॉर्निंग में, तो ये देखिए उठ करके आए और ये हाल थे। मतलब रात को तो हो ही रहा था, रात को तो हमें दिख ही रहा था, लेकिन इतना सारा नुकसान हो रहा था बाप रे, कहना नहीं है मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। देखिए यहाँ ऐसा रख रखी हुई है, टूट गई है, सब कुछ टूट गया है नीचे पे, और नीचे देख सकते हैं वहाँ नीचे तक जा रहा था पूरा नीचे, देखिए गाड़ी में भी और गाड़ी भी टूट रखी, हमारी गाड़ी में भी चोट लगी हुई है। ये हो रहा है हाल पड़ी इधर। और ये देखिए यहाँ पूरा धनिया का हाल देखिए, यहाँ पीछे देख सकते हैं धनिया ही धनिया हो गया पूरा। ये देखिए इस तरीके से पूरा नुकसान ही नुकसान, इतना सारा नुकसान ये देख सकते हैं। गाड़ी भी नुकसान, ये देखिए पूरा इधर पीछे जो देखिए आप, बाप रे नुकसान का तो कहना नहीं है, इतना सारा हो रहा है। ये भी थोड़े से टूटा हुआ है, सारे स्क्रैच पड़ गए क्योंकि ऊपर से गिरा है ना, ये ऊपर से जो ऊपर की जो छत है ना, ऊपर की जो छत है ना वो पूरी गिर गई है। मतलब ये खपरेल जो है पूरी गिरी है और बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अभी हम दिखाएंगे ऊपर का कि देखते हैं दिखेगा। तो फ्रेंड्स पहले जो है ये सारा साफ कर लेते हैं, मतलब ये सबको उठा लेते हैं और ये दीवारें भी सारी टूट गई हैं, दीवारें तो देखिए इतना पट्टा भर गया पूरा, ये देख सकते हैं इतनी सारी खपरेल ये पड़ गई है, देखो ये रख दिया इतना सारा, इतना सारा नुकसान हो गया है। और ये सब हमने जो है अभी सारा साफ करना है, नीचे से भी साफ करना, ऊपर छत से भी हमें उठाना है क्योंकि ये वो जो है ना, नहीं तो सबके सर में गिरेगा तो फिर से लगेगी सबको चोट। तो सारा काम कर लेते हैं उसके बाद जाके थोड़ी देर में मिलेंगे अब आपसे, सारा सारा हम ये समेट लेंगे उसके बाद जाके फिर दिखाएंगे आपको आगे का, नीचे का दिखाऊंगी कि नीचे कितना सारा नुकसान हो रहा है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हमारा आज, बहुत ज़्यादा मतलब क्या मतलब बता नहीं सकते, आप देख ही रहे होंगे वीडियो में कितना सारा नुकसान हो गया है, मतलब कह नहीं सकते इस चीज़ के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि कितना सारा नुकसान हो गया, सारे गमले टूट गए, सब कुछ टूट के क्या हाल ख़राब हो गया। ये देख सकते हैं यहाँ से कितना नुकसान हो रहा है ऊपर का, और ये देखिए यहाँ का हमारा गमला भी टूट गया है और हर चीज़ देखिए ऐसे ला रहा है, सारे गमले हमारे टूट गए हैं यार, इतने बड़े बड़े गमले थे यहाँ पर को सारे टूट गए हैं। मम्मी जी की इतनी मेहनत बर्बाद हो गई है, मम्मी जी ने इतनी मेहनत करके सारे गमले लगाए हैं, इतनी मेहनत करते हैं वो दिन रात, सारा मेहनत का आज बर्बाद हो रखी है, बड़ा बुरा लग रहा है। और यहाँ देख सकते हैं इतना सारा, ये सारे टीन ना रात को इतनी ज़ोर ज़ोर के बोल रहे थे डर के मारे ना मेरी हालत ख़राब हो गई, इतना सारा नुकसान मतलब इतने सारे उड़ रहे थे, सारे उड़ रहे थे ऐसे करके, ऐसा लग रहा था कि सब उड़ के आज सब चले जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और
मेरा बेटा जो है ये क्या करके आ रहा है ऐसा है? ये ले करके आ गया झाड़ू और डस्टबिन। और जब सब हमने कूड़ा उठा दिया तब कार्तिक का डस्टबिन आ रहा है इतनी देर में, और देख सकते हैं। और कार्तिक का कार्तिक ने कर इतने ऊपर क्यों पहना है? यहाँ की सफाई तो हमने कर दी है, ये देख सकते हैं यहाँ पे सारा साफ कर दिया। और एक एक दो पट्टे भर दिए हैं और खबरेल भर दी है। और अभी छत की निकालनी है, जो छत की जो है अब कैसे चढ़ के निकालनी है, पता नहीं कौन चढ़ेगा, पापा जी लोग चढ़ते हैं, हम चढ़ते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए ये चीज़ देखिए, यहाँ परिवार का हमारा ये मंदिर वाला कमरा है। ये देखिए ऊपर का हाल देख सकते हैं आप, ये खपरेल हमारी पूरी टूट गई है। ये देखिए नुकसान, ये हो रखा है इतना नुकसान, यही सब कुछ गिर के आधा नीचे को उधर को उधर साइड को गिरा है, आधा इधर को गिरा है और आधा इधर को गिर रखा है। तो सब कुछ ऐसे करके ये हो रखा है और ये भी सारा वो हो रखा। अब इसको फिर से दोबारा, मतलब जो टूट गए हैं वो तो बर्बाद हो गए, उनका कोई वो नहीं है, जो सही है उनको जो है फिर से हमको बुला करके, मतलब मिस्त्री बुला करके फिर से लगाना पड़ेगा, सब कुछ सही कराना पड़ेगा इस काम को। तो इतना सारा नुकसान हमारा हो गया है। तो फ्रेंड्स पापा जी जो है ऊपर से जो है अब खपरेल निकाल रहे हैं, क्योंकि सारी निकल गई हैं वो। और मीनू जो है नीचे से पकड़ ली है, और ये हर्षित खाली चढ़ा है, ये किसी काम का नहीं है यहाँ पर। इससे जो है कह रहे नीचे उतर, ये उतर ही नहीं रहा है, कह रहा मैं भी करूँगा काम। उसको इसको काम करने का ना बहुत ही ज़्यादा शौक है हर्षित को। हर्षित तो नीचे आ जा, गिरेगा वहाँ से, नीचे आ जा बेटा। तो ऐसे ही जो है ये सारा काम कर लेते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर मिलेंगे अभी आपसे थोड़ी देर में। तो इतनी सारी खपरेल हमने देखी, यहाँ से सारी नीचे रख दी हैं, इधर रख दी हैं, देख सकते हैं ये इतनी सारी निकाल करके, क्योंकि ये वाली सही है ना, तो ये दोबारा यहीं लगेंगी। तो ये हो रहा है इतना सारा नुकसान। और हर्षित को देखिए मजे आ रखे हैं इसके यहाँ, ये जो है सीढ़ी में चढ़ के मजे आ रखे हैं इसको, इसी इसको हो रही है बस मस्ती करनी है। ऊपर नहीं जाना, गिरोगे चोट लगेगी, ऊपर नहीं जाना है। और वहाँ से बूबू जो है और देख रहे हैं, इसके बूबू जो हैं और देख रहे हैं क्या क्या वो हो रहा है, नुकसान हो रहा है करके, वहाँ जो है काम वो कर रहे हैं। इतना सारा आधी जो है ना, आधी छत चली गई है उधर की, आधी इधर की चली गई है, आधी जो है सारे नीचे गिर गए हैं, अब नीचे से भी सारे उठाने हैं। और तो देखिए अब इतना सारा नुकसान, मतलब एक खाली ना इतना भयंकर तूफान आया एक घंटे का, और ये सारा उड़ा ले गया। इतने भारी भरकम जो हमारे इतने पक्के छत मकान हो करके जब ये टूट गए हैं, तो पता नहीं कैसे कैसे चीज़ें टूट गई होंगी, कितने लोगों का कितना नुकसान हुआ होगा। तो देख सकते हैं आप हमारा इतना पक्का मकान भी ऐसे टूट गया है। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, मैं जैसे ही पोछा लगाने लगी, दो तीन कमरों में मैंने पोछा लगाया, तो क्या कहते हैं फिर पापा जी ऊपर करने लगे थे, तो हमने कहा वो अकेले कर रहे, तो हम फिर से ऊपर आ गए। तो अभी जो है थोड़ी देर में फिर लगाऊंगी पोछा वगैरह, क्योंकि धोना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। अंदर कमरों में पोछा लगाएंगे और बाहर को सारा धुलाई करेंगे। तो अब अभी मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो अब भर रही हूँ मैं पानी यहाँ पर को, और पानी भर के नीचे को जो है सीढ़ी की धुलाई करूँगी, क्योंकि सीढ़ियों में ना बहुत गंदा हो रहा है। तो ये जो है पानी भर दी है, और इसको जो है अब मैं नीचे धो लेती हूँ, फिर मिलूँगी अभी थोड़ी देर में आपसे, अब जब जो है सारी सफाई कर लूँगी फिर दिखाऊँगी आपको। फ्रेंड्स मैंने ले लिया है शावर, और मैं जो है शावर लेकर के थोड़ा सा काम वाम कर लिया था, क्योंकि ब्लॉगिंग हर वक्त ब्लॉगिंग नहीं हो पाती है, हर कोई काम हम नहीं दिखा पाते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो नीचे की सफाई भी मैंने सारी कर दी है, जितना नीचे गिरा हुआ था सारा खपरेल नीचे गिर गया था, तो वो सब भी उठा करके सारा एक कट्टे में भर के वो भी सारा फेंक दिया है। और जितना भी कूड़ा हो रहा था नाली वगैरह, तो सारे झाड़ करके सारा साफ कर दिया है नीचे। और अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी कार में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है इस तूफान ने जो है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब हमारा ही नुकसान नहीं करा होगा, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ होगा, क्योंकि बहुत तेज़ आया था आंधी तूफान। तो अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी आपको। और मम्मी के यहाँ से क्या आया है अभी आपको दिखाते हैं, मम्मी ने क्या भेज रखा है हमारे लिए, तो दिखाते हैं आपको वो भी। अरे ये देखो ये लिया है, ये लिया, अरे भारी हो रहा भाई, भारी हो रहा मेरे लड़के को। ये क्या लिया है भैया आज, देखो नानी के यहाँ से क्या लिया है, ये आज आम लिया है, दिखा फिर, दिखा, चल खोल के दिखा, चल चल खोल के दिखा दो, खोल के दिखा, गजब मेरा लड़का तो आम लेके आ गया यार नानी के यहाँ से, ना नानी ने आम भेज दिए, तो नानी के यहाँ से आम भी आ गए हैं। और अब जो है इनका अचार बनाया जाएगा,
क्योंकि इतने सारे गिर गए हैं और इतना आधी तूफान में ना बहुत ज़्यादा इस बार नुकसान भी बहुत हो गया है, ये देख सकते हैं आप। तो मैंने बाल भी नहीं बना रखे हैं, अभी बाल भी ऐसे ही हो रहे हैं, धो रखे थे और ये ऐसे ही बांध रहे हैं। दिखाते हैं आपको कार का हाल, कार का हाल क्या हो रहा है। तो ये पहुँच गए हम नीचे और देख सकते हैं कार के हाल कहाँ पर नुकसान हो रहा है, आपको भी दिखाते हैं। हर्षित सामने खड़ा है, हर्षित कहाँ पर हो रहा बेटा? ये देखो यहाँ पर से ना थोड़ा सा दब गया है, क्योंकि ये चीज़ ना यहाँ आके लगी होगी ना इधर से, तो इधर से आते हुए पूरा ऊपर से लगी होगी, ऐसे गिरा होगा ना ये खपरेल, तो ऊपर से गिरे, टॉप से तिमजले से और नीचे गिरे हैं, और पीछे भी ना नुकसान हो रखा है इसमें गाड़ी में, पीछे हुआ है? हुआ है पीछे भी, सारे स्क्रैच पड़े हैं, ये देखिए स्क्रैच, पहले थोड़ा पड़े थे स्क्रैच, अभी कल ही आए तो पड़े हैं। तो गाड़ी में भी ना इधर वाले शीशे में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा है, ये वाले गाड़ी शीशे में ना थोड़ा सा मतलब पिचक भी रखा है, आप देख सकते हैं आगे की ओर पिचका हुआ है सारा, इधर साइड को सारा पिचक रखा है सारा इधर को, और इतने ऊपर से गिरेंगे ना खपरे, वो देख सकते हैं वहाँ से गिरे ऊपर टॉप से और सीधे आ करके कार में, कार से सारे नीचे गिरे थे, वो मैंने सारा सफाई कर दी अभी तो इसलिए आपको नहीं दिखेगा। कुछ कुछ थोड़े बच्चे मत कर, ऐसे नहीं कर, वो और ज़्यादा पागल है क्या, ऐसे नहीं कर, स्क्रैच पड़ेंगे मारेंगे। तो यहाँ जो है सारा साफ कर दिया है क्योंकि सारे गिर गए थे इधर, चलते हैं अब ऊपर चलते हैं और खाना वगैरह बनाते हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं, क्योंकि नुकसान तो हो ही गया है और अब मिस्त्री बुला करके जो है सब सही करना पड़ेगा घर को, फिर से रूम ही बनाना पड़ेगा घर को। घर तो क्या घर, घर क्या घर, घर टूटा नहीं, चलते हैं ऊपर फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ छत में अभी और दिन का खाना वगैरह खा करके मैं छत में आ गई हूँ, और ये देखिए ये टाइल्स वगैरह जो हम लोगों ने मतलब जो खपरे हैं टाइल्स टाइप के, ये सारे अभी भर करके तीन कट्टों में रखे हुए हैं और एक कट्टा जो है मैं नहर में फेंक के भी आ गई हूँ, ये बहुत बड़ा हो गया था नीचे वाला। और मैं यहाँ पर को अभी थोड़ी सी धूप भी आ गई है, मॉर्निंग में जैसे मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा था तो अभी थोड़ा सा धूप आप भी आ गई है, और अभी डाल दिए ना जो आम आए थे मम्मी के यहाँ से, उसका आम का जो ना काट करके ये देख सकते हैं यहाँ अचार बनाने के लिए डाल दिया है, इसमें हल्दी वगैरह के लिए डाल दिया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो है कट कर दिया है मम्मी जी लोगों ने, ये सारा अचार के लिए आम सारा काट करके इसमें हल्दी लगा करके इसको धूप में छोड़ दिया है ऐसे, तो इसका जो है अचार बना देंगे, तो जब सूख जाएगा उसका इसका अचार डाल देंगे। तो एक पीस मैं भी ले लेती हूँ चखने के लिए कैसा हो रहा है, वाह खट्टा हो रहा है, अच्छा लग रहा है, एक पीस मैं भी ले आई हूँ। तो आप थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर बच्चों का एकेडमी जाने का टाइम हो जाता है, हर्षित गाती जो है अभी थोड़ी देर में जाएंगे एकेडमी, तो देखो अभी कौन जाता है छोड़ने, इनके दादाजी जाते हैं या कौन जाता है, तो फिर जो है अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, फिर बच्चे तो चले जाते हैं फिर हम थोड़ी देर सो जाते हैं क्योंकि हम भी थक जाते हैं, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में अब आपसे शाम के वक्त, खाना वाना बनाएंगे फिर से मिलेंगे। और वैसे तो अब जो है यहाँ पर को जो है हमें मिस्त्री लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर को मिस्त्री सारा उसके सारा काम मिस्त्री का है, क्योंकि थोड़ा सा हमें खपरेल और लानी पड़ेगी, आधी तो यहाँ पर नहीं है लगा दी जो इधर पे हैं, इतनी इससे कम मतलब 8-10 और लानी पड़ेंगी जो टूट गई हैं उतनी और लानी पड़ेंगी, तो फिर उसके बाद फिर काम करेंगे इसका, जब ये काम होगा ना तब दिखाऊंगी अब आपको कि मतलब जिस दिन ये काम होगा। तो अभी जो है सो जाते हैं फिर मिलते हैं शाम के वक्त। तो फ्रेंड्स शाम का वक्त है, मैं भी सो के उठ रही हूँ और अभी आम जो है ऐसे ही पड़े हुए हैं मम्मी जी के, अभी तो डाला नहीं है, अचार अचार की प्रोसेस चल रही होगी अभी है, अभी अचार डलाने की, तो अचार का प्रोसेस अभी डलेगा मतलब अभी अचार बनेगा। तो यहाँ पर मम्मी जी ने कुछ काम तो कर रहे हैं, वो अभी फोन में बात कर रहे हैं, आपको बताते हैं देखिए, अचार के लिए सारा मसाला हम लोग जो है ना इस घर का ही मसाला यूज़ करते हैं अचार के लिए, इसमें जो है कि अचार का मसाला मम्मी जी ने रेडी कर रखा है,
तो अभी थोड़ी देर में जब अचार डलेगा ना तब आपको दिखाऊंगी, आप इसमें अचार पड़ेगा। फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, थोड़ा काम कर लेते हैं अंदर, फिर मिलते हैं आपसे। क्रिकेट अकेडमी में आपका दिन कैसा रहा? सही रहा। अच्छा रहा? अच्छा अच्छा रहा। खेला नहीं खेला आज आपने? खेला था। अच्छा तो आज इसका दिन बढ़िया रहा, तो क्या करते हैं आज इस ब्लॉग को, तो फ्रेंड्स आज इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।